अस्सलाम वालेकुम। ये आज डॉन न्यूज़ से एडिटोरियल पेज अक्टूबर 10, 2020 का है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं डॉन न्यूज़ एडिटोरियल को ही पढ़ूंगा और इसकी जो डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे उसको भी डिफाइन करूंगा, उसके मीनिंग्स के साथ आपको सिंपल ट्रिक के साथ भी बता दूंगा, और जो कुछ वर्ड्स ऐसे भी होंगे जो नया वर्ड्स होंगे आपके लिए वो भी मैं कोशिश करूँगा सिंपल, और उसका यूजेज भी आपको बता दूँ जिससे कि मतलब जल्दी से जल्दी ये आप क्लियर कर पाएँ। सो पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी बटन दबा दें, कमेंट कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। सो स्टार्ट करते हैं। बैड कर्मा मीन्स गलत काम करना, सिंपल। ये राइटर ने लिखा, ये राइटर बहुत अच्छा राइटर ने आर्टिकल लिखा है, बहुत अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इट टेक्स रेयर मीन्स वेरी फ्यू स्मॉल नंबर वी कैन से दैट टैलेंट टू अक्यूमुलेट लॉस फ्रॉम वर्ड्स व्हेन यू आर नेवर एट लॉस फॉर वर्ड्स। ये मतलब कह रहा है ये तो थोड़े सा एक ना होने क्या का टैलेंट है जो अक्यूमुलेट करे, जो लफ्ज़ होते हैं, जो लफ्ज़ों से लफ्ज़ जो लॉस होते हैं, जब भी कोई भी लॉस लफ्ज़ों के लिए नहीं है। फेस्ट विथ द मोस्ट पोटेंट फेस्ट मीन्स फेस करना, आमना सामना करना, मोस्ट पोटेंट थ्रेट सिंस कमिंग टू पावर। जो पीटीआई गवर्नमेंट थी उसने ये बुलाया, जो पहले पीटीआई गवर्नमेंट थी वो का पावर्स होने जब भी ऑयल पावर होने में उसने ये प्रॉब्लम फेस किया था। पीटीआई गवर्नमेंट टूडेंट्स द रिस्क ऑफ ट्रिपिंग ऑन व्हाट इट हैज़ कंसिडर्ड इट्स कोर स्ट्रेंथ। पीटीआई गवर्नमेंट ये रिस्क पे है और ट्रिप कर रही है कि ये कंसिडर के कोर ऑफ स्ट्रेंथ, इसका ये मकसद है कि मजबूत से मजबूत बनाने के पे ट्रिप कर रही है। इन द एज ऑफ कम्युनिकेशन इन द एज ऑफ कम्युनिकेशन वाइल टॉकिंग वार ऑफ कम्युनिकेशन इन द एज ऑफ इसी बात से इसी कम्युनिकेशन के दौरान बात अगर बात करें वार से और वार से अगर बात करें जब तक वार शुरू हो रही है, ये मतलब कम्युनिकेशन में मवासलात का से बात करना हो, कोई भी किसी भी बात पे किसी भी इश्यूज़ पे बात करना और कम्युनिकेट करना, जैसे मिस्टर खान टीम में भी फॉलिंग विक्टम्स टू फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन, ये हो रहा है कि मतलब इमरान खान जी विक्टम ये है, ये फेलिंग है, ये फॉलिंग है विक्टम, जो कम्युनिकेशन का फेल हो रहा है अपोजिशन से। दिस फेलियर कैन बी इनकैप्सुलेटेड इन थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, इसका जो फेलियर है वो इनकैप्सुलेट हो सकता है ये तीन पॉइंट्स से। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑब्सेशन विद द अपोजिशन एट द एक्सपेंस ऑफ एवरीथिंग एल्स। जो अपोजिशन है उसको क्या किया, ऑब्सेस किया जाए उसको, अब बस अब बंद कर दो, ऑब्सेस मीन्स उसको स्टॉप किया जा रहा है उससे को मतलब उसको मतलब अरेस्ट किए जा रहे हैं उससे, उससे जो रवैया है उससे जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं है। उस दूसरी बात दूसरा ये ऑब्सेशन विद द अपोजिशन एट द एक्सपेंस ऑफ एवरीथिंग एल्स, अपोजिशन से अपोजिशन है उससे ऑब्सेशन हो रहा है हर मसले पे। दूसरा नंबर तीन ऑब्सेशन विद अपोजिशन एट द एक्सपेंस ऑफ एवरी एल्स, ये तीन मेन पॉइंट्स हैं। एंटिंग एल्स से ये बोला है कि कोई भी दूसरी चीज़ भी, दिस एवरी थिंग एल्स इन टर्न कैन बी इनकैप्सुलेट इन दिस इन थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, वन ये तीन चीज़ें हैं ये इनकैप्सुलेट हो सकते हैं तीन पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट बोला है फेलियर टू डिफाइन कोर एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ, ये क्या ये फेलियर है, ये नाकाम है, डिफाइन नहीं किया है कि इससे इसको इसका कोर क्या है, इसका बेसिक रीज़न क्या है, किस से एरिया को किस को मजबूत बना सकते हैं। नंबर तीन फेलियर टू डिफेंड कोर एरियाज ऑफ वीकनेस, ये फिर नाकाम हो गई है कि कोई भी इशू है उसका, कोई भी एरिया है उसका काम वीकनेस का कोई बुनियाद नहीं डिफेंड किया है। फेलियर टू डिज़ाइन गवर्नमेंट वीएन इन टर्म्स, ये नाकाम हो गई है जो गवर्नमेंट के जो वीएन है वो भी उसको भी डिज़ाइन नहीं किया गया है, उसे भी नाकाम हो गया। वट इट हैज़ उसे क्या है, इट्स नॉट मेली वाट इज़ नॉट उससे क्या है, इफेक्ट क्या नहीं है और नहीं। और इन द अदर वर्ड्स उससे दूसरों लफ्ज़ों में द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू बाउल एवरी बाल एज ए यॉर्कर नोइंग वेल द डिलीवरी कैन टर्न इन टू
हाफ वाली। ये हो रहा है कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि बाउल कर रही है कि बाल जैसे कि बालर होते हैं जो यॉर्कर करते हैं उससे भी ये कर रही है। ये सेंटर क्वेश्चन है, मेन थीम यही है। इट्स ईजी टू मोक, ये तो आसान है मोक करना। टांट एंड स्नीर, टांट मींस डांटना, टू टांट किसी को मतलब किसी की मजाक उड़ाना, किसी के को गलत कुछ शब्द अब्ज़र्ड कहना, इससे भी इससे भी आप यूज़ कर सकते हैं टांट। एंड स्नीर, एंड सो ईजी टू एक्सप्लेन एलाबोरेट मींस एलाबोरेट, इसको एलाबोरेट करो, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दो। एंड इन्यूमरेट एंड पीटीआई इज फॉलिंग इट्स ऑन इनटू इट्स ऑन कम्युनिकेशन ट्रिप। पीटीआई गवर्नमेंट क्या कही है, वो फॉलिंग हो रही है, वो फेल हो रही है, वो फॉलिंग हो रही है अपने कम्युनिकेशन ट्रिप से। द फॉल्ट लाइज नॉट इन द स्टार्स बट इट इज स्टार जी, द फॉल्ट क्या है, नॉट लाइज इन स्टार्स बट स्टार्स ने बट स्टार जी, वो तजवीज़ है, वो साजिश है, साजिश तजवीज़ है। एवर सिंस ही एंटर्ड द पॉलिटिशन पॉलिटिकल एरिया एरियाना, जैसे ही वो पॉलिटिशन एरिया में आया, मिस्टर एरियाना मीन्स एरिया, मिस्टर खान हैड फ्रेम्ड हिज आइडेंटिटी, इसने एक आइडेंटिटी का फ्रेम बना दिया, एक पहचान का फ्रेम बना दिया। इन टर्म्स ऑफ व्हाट ही वाज नॉट करप्ट, नॉट डिसऑनेस्ट, नॉट डायनेस्ट, नॉट पॉलिटिशियन फॉर बिल्स, नॉट बी होल्डन टू वेस्टेड इंटरेस्ट, नॉट रेडी टू कंप्रोमाइज ऑन प्रिंसिपल फॉर पॉलिटिकल एक्सपेंडेंसी। ये मिस्टर खान, ये तीन ये जो भी चीज़ें मतलब राइट ने लिखा है, इस पे खान ने आया था। एंड एक्सपेंडेंसी ही पेंटेड, इसने पेंटेड किया व्हाट ही वाज नॉट इन रेफरेंस टू व्हाट नवाज शरीफ एंड जरदारी पर, नवाज शरीफ जरदारी से भी इसका कोई रेफरेंस नहीं था। दिस फ्रेम वाज क्रिटिकल फॉर हिज पॉलिटिकल ब्रांडिंग, इट वाज वेरी क्रिटिकल, जो भी फ्रेम है वो क्रिटिकल है। द मोर मजीद ही डिफाइंड मिस्टर ही डिफाइंड नवाज शरीफ एंड जरदारी इन टर्म्स ऑफ व्हाट ही सॉ देम एज, द मोर ही गॉट डिफाइंड एज इन टर्म्स ऑफ व्हाट ही वांटेड हिमसेल्फ टू बी डिफाइंड एज द मोर मोर अन नवाज ही वाज द मोर सॉरी ही वुड बी सीन, जैसे कि इमरान ये मजीद देखा है, इसको मजीद देखना चाहिए, वुड बी सीन में मजीद देखना चाहिए। पीटिया पॉलिटिक्स, जो पीटिया की पॉलिटिक्स है, दे आर फॉर बिकम स्टेट इन कॉन्ट्रास्ट, जो भी पीटिया में काम करने वाले वो क्या वो बिके वो हो गए, वो कॉन्ट्रास्ट हो गए। एंड बिटन डाउन शरीफ एंड जरदारी टू बल्ट अप इमरान खान, वो शरीफ और जरदारी को क्या करे, उसको शख्सियत के लिए बीट डाउन करना की कोशिश किया गया, वो करना शुरू हो गए। उसने कोशिश की मतलब इमरान खान को मजीद से मजीद बेहतर से बेहतर से स्ट्रांग वजीरन बनाया जाए और मजीद से मजीद लीडर बनाया जाए। एंड यू नो आप जानते हैं द फनी थिंग, द किस लिए द ऐसे के वही चीज़ आप जानते हैं, वही चीज़ आप रेफ़र करते हैं, इट वर्क, क्योंकि आप जानते हैं कुछ जैसे कि फ़नी चीज़ हो, कैसे उसने कैसे काम किया। इट्स वर्क व्हेन समथिंग वर्क्स, वो तभी काम करती है जब कोई काम करता है। इट जनरेट्स इट्स ऑन लेजिटिमेसी, वो जनरेट अपनी लेजिटिमेसी करता है। लेजिटिमेसी मीन्स इनहेरिटेंसी, किसी कोई भी एक प्रोसेस जहाँ बंदा आए फिर उसके बाद उसी पार्टी का बंदा आए वो प्रोसेस को चलाए, उससे उसको कहते हैं लेजिटिमेसी मीन इनहेरिटेंसी। सिंपल फॉर पीटीआई लेजिटिमेसी बर्थड रिलीफ बर्थ बिलीफ दैट द कोर ऑफ पॉलिटिक्स, पीटीआई का जो लेजिटिमेसी था कोर ऑफ पॉलिटिक्स लेजिटिमेसी था। द न्यूक्लियस ऑफ इट्स और इट वर एज इट वर वाज द इट इज इट वर वाज द डिस्ट्रक्शन ऑफ नवाज शरीफ एंड जरदारी। इट वर इसलिए राइटन लगाया कि यहाँ से नवाज शरीफ और जरदारी के बारे में बात की गई है। वाज इसलिए लगाया कि ये इमरान खान ने कोशिश की है कि नवाज शरीफ जरदारी को डिस्ट्रॉय और उसको डिस्ट्रक्ट किया जाए। दिस वाज नॉट पॉलिसी, ये पॉलिसी नहीं थी और स्ट्रेटजी और प्लानिंग। इट वाज द पार्टी डीएनए इटसेल्फ, ये पार्टी का ही मेन मकसद था। टुडे एज द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आज ये इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या कर रही है, पीटीआई गवर्नमेंट कैन नॉट अवर राइट, ये से अवर राइट नहीं हो रहा है। इट्स ऑन डीएनए इन ऑर्डर टू कैलिब्रेट इट्स
सिचुएशनल अवेयरनेस कोलिब्रेट करना, जो सिचुएशन है इसमें उसको अवेयरनेस देना, टॉक टू पीटीआर लीडर्स एंड यू हैव द सेम लॉजिक रीग्यूरेटेड ऑन रिफ्लेक्स। आपने जो टॉक की पीटीआर लीडर से आपने सुना होगा लॉजिक रीजन से, आवर कोर सपोर्ट्स वांट टू अस टू पुट शरीफ एंड जरदार इन जेल। जो पीटीआर गवर्नमेंट इसका कोर सपोर्ट, कोर मीन्स बेसिक, उसका मेन मकसद यही है शरीफ और जरदारी को जेल में रखना। दीज लीडर्स हैव कन्वेंस्ड देमसेल्व्स, कन्वेंस्ड मीन्स किसी को मना लेना, और दियर लीडर्स हैज और दियर लीडर हैज कन्वेंस्ड देम, उसके लीडर उसको कन्वेंस कर दिया दैट दिस बिलीफ गॉट फ्रॉम देम इन पावर। ये यकीन कभी आया जब उसने पावर में, जब उसने गवर्नमेंट में आकर जब उसने पावर संभाला, दिस बिलीफ विल कीप देम इन पावर, दिस बिलीफ कीप देम पावर एंड दिस बिलीफ देयर पासपोर्ट टू द नेक्स्ट 5 years इंटरिम पावर। ये बिलीफ है उसे पावरफुल भी रखेगा और 5 साल से उसको और ये पासपोर्ट देता है बिलीफ। हेयर इन, यहाँ से लाइज द जीनेसिस ऑफ द पीटीआई गवर्नमेंट फेल्योर ऑफ कम्युनिकेशन। ये हो रहा है कि पीटीआई गवर्नमेंट है क्या है, वो लाइज कर रही है, वो एक कम्युनिकेशन से नाकाम है, या दूसरा ये है कि झूठ बोल रही है। द गवर्नमेंट इज सेजिंग अंडर द वेट ऑफ इन्यूमरेबल स्पोकिंग। जे गवर्नमेंट ये क्या ये कर रही है कि सेजिंग अंडर द वेट ऑफ, सेजिंग मीन्स सेज क्या होता है, वो सेजिंग होता है, इससे भी याद कर सकते हैं फुल इन्यूमरेबल स्पोकर्सन एंड आर्मी ऑफ मिनिस्टर्स, जो आर्मी के मिनिस्टर्स होते हैं, एडवाइजर स्पेशल असिस्टेंट एंड एसोसिएटेड तर्जमान हैव बीन टास्क्ड टू रिपीट अवर एंड अवर अगेन दीज वर्ड्स रिगार्डस ऑफ दिस। उसको जो भी इसके स्पेशल असिस्टेंट और जो भी तर्जमान थे उसको ये भी टास्क दिया गया था, रिपीट करो इसी बात पे अगेन अगेन, इसी शब्दों को, इसी जो लफ्ज़ हैं इस लफ्ज़ों को भी आप रिपीट करो। एट हैंड, और उसके हाथ में करप्ट मनी लॉन्ड्रिंग थीव्स वांट टू सेव देयर लूट। उसने ये बोला कि करप्ट जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो ये कोशिश करें कि चोरों को बचाने के लिए और उससे लूटी हुई मनी को बचाना। और एनआरओज का ये दे आर आल्सो सो बिजी, वो ऐसे बिजी हैं सेइंग दीज वर्ड्स एंड सो बिजी रिसीविंग अकोलिट्स फॉर सेइंग दीज वर्ड्स। वो ये बिजी हैं ये लफ्ज़ कह रहे हैं और उस ये लफ्ज़ उससे रिसीव भी कर रहे हैं अकोल जी, अजीब किस्म से अकोल मीन्स इट कैन बी लाइक वी कैन इफ वी रिएक्ट इन डिफरेंट वे डेफिनेटली ही शी रिएक्ट्स इन सेम वे इन दैट वर्ड्स इन दैट सेंस वी कैन यूज अकोल दैट दे हैव लिटिल टाइम दैट दे हैव उसी उसके पास उनके पास थोड़ा सा टाइम है, लिटिल टाइम, लिटिल पेशेंस, लिटिल प्रिपेयरनेस मीन टू बी प्रिपेयर्ड समथिंग दैट्स टू बी प्रिपेयर्ड समथिंग दैट्स टू बी रेडी प्रिपेयरनेस दिस इज नाउन इन पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड परहैप्स शायद एंड कैपेसिटी टू डू द फॉलोइंग। ये कैपेसिटी है जो फॉलो करता है डिफाइन सम पॉजिटिव टर्म्स ऑफ कोविड 19 एन सी ओ एस एहसास ग्रेजुअली रिकवरी ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये डिफाइन कर रहा है कि जो एहसास है ग्रेजुअली रिकंस्ट्रक्शन, उसमें प्रॉपर्टी सेक्टर एंड सोशल सेफ्टी होना प्लान्स वाइल बींग एबल टू डिफेंड। ये उसके बावजूद उसने ये एबल है, ये लायक है उसको डिफेंड करना और डिफ्लेक्ट क्रिटिज्म ऑन द की एरिया ऑफ कंसर्न, उसको नाकाम बना देना, उसको क्रिटिसाइज करके उसको एक पॉइंट से हटा देना। डिफ्लेक्ट डी मीन्स रिमूव, रिफ्लेक्ट और डिफ्लेक्ट इस ट्रिक से भी याद कर सकें। डिफ्लेक्ट मीन्स किसी को हटा देना, किसी को तबाह कर देना। इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट, ये हो रहा है कि जो पीटीआई गवर्नमेंट क्या हो रही है, इन्फ्लेशन हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, शुगर स्कैंडल हो रही है, एज वेल एज द एबसेंस ऑफ एनी मीनिंगफुल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। जो मीनिंगफुल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, जो ये शुगर मिल का ये पहला इशू था, स्कैंडल था, इसको भी नाकाम करा दिया। ये बोला कि ये इलीगल है इशू। These are major issues in PTR government. These are weighty issues and they require weighty arguments by people who can process dense data and detailed policy briefs and condense them into the digestible
ये हो रहा है कि तो हैवी इश्यूज हैं, इसे हैवी आर्गुमेंट के ज़रिए पीपल को ये प्रोसेस करना चाहिए। ये डिटेल पॉलिसी ब्रीफिंग और कंडेंस पे भी ये इजीली डाइजेस्टेबल, मतलब इसको डाइजेस्टेबल और नेरेटिव क्रेडिबल क्रेडिट जाता है इन इफेक्ट मैनर टू डाइवर्स ऑडियंस। उसको भी चेंज करना चाहिए ऑडियंस से द ऑब्सेशन, उसको ऑब्सेस किया जा रहा है। ऑब्सेशन विद अपोजिशन हैज़ ब्लाइंडेड ब्लाइंड साइडेड ऑब्सेशन, अपोजिशन को दबा देना, एक साइड को मतलब अंधा कर देना है, एक साइड पे बात की है अंधा कर देना है, अंधा मतलब ब्लाइंड साइड मीन्स अ पर्सन हु जस्ट वांट्स टू टेक्स ओथ लाइक नो बॉडी वुड लाइक टू स्टैंड अपोज अगेंस्ट विद मी। लाइक इमरान खान या क्या कर रहा है, ये ब्लाइंड साइडेड भी है, ये बोला है कि अपोजिशन को सप्रेस करके किसी न किसी तरीके से मैं बस सब कुछ करूँ, बट लेकिन उसके बावजूद पीटीआई गवर्नमेंट हैज़ बिकम फियास्को। गवर्नमेंट्स कम्युनिकेशन एंड देयर कम्युनिकेशन टू दिस क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिवनेस, गवर्नमेंट का जो क्रिटिकल कंपोनेंट इन इफेक्टिव नैरेटिव टू स्पीक बिल्डिंग द रिजल्ट वेरियस पोल्स जो रिजल्ट हो रही है काफ़ी जो बहुत किस वेरियस पोल्स शोइंग क्रिटिसाइज फर्स्ट एट डिसरिस्पेक्ट एंग्री एट द गवर्नमेंट ऑन एटलीस्ट टू की अकाउंट्स, ये हो रहा है कि रिजल्ट ये शो हो रही है डिफरेंट पोलिंग स्टेशन की, मतलब गवर्नमेंट से उससे क्रिटिसाइज की जा रही है, उसको फर्स्ट की जा रही है टू की अकाउंट्स और फर्स्ट कर इन्फ्लेशन एंड सेकंड इज अनएम्प्लॉयमेंट, बोथ आर रियल बोथ बाइट बोथ बाइट बोथ रियल बोथ बाइट बोट एट बाइट चेक पाना बोथ रिक्वायर एन एक्सप्लेनेशन दैट कैन एट द वेरी मिनिमम कॉन्टेस्टुलाइज ये कॉन्टेस्टुलाइज है देन विद इन अ लार्ज एफर्ट एम्स एट इकोनॉमी रिकवरी। दूसरा बात ये इकोनॉमी रिकवरी भी एम है। पीपल वुड वांट टू बी टोल्ड दीज टू इश्यूज आर द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी फॉर द गवर्नमेंट बिकॉज दे आर आफ्टर आर द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी फॉर द सिटीजन। ये तो दो सिटीजन के प्रायोरिटीज़ हैं, तो लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक ये रिजॉल्व किया पीटीएस आर्मी एडवाइजर स्पेशल असिस्टेंस पर्पसन हैव फेल्ड टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, जो पीटीआई के स्पेशल असिस्टेंस को जो भी तर्जुमाना है वो फेल्ड हैं इसी कम्युनिकेशन बिकॉज दे आर अनेबल आर अनविलिंग टू कम्प्रेंड कॉम्प्रेंड मीन्स टू अंडरस्टैंड, अभी तक उसने समझा ही नहीं, कंसल्टेशन नहीं किया, कन्वे मच बियॉन्ड देयर बिक्वेटेड पार्टी डीएनए। इट्स इजी बिक्वत वेरी इजी बिक्वत होना उसको मतलब बिक्वत किया जा रहा है। इट्स इजी टू मॉक, ये तो आसान है मॉक करना टांट करना सुनीर, नॉट इजी टू से टू एक्सप्लेन टांट, मतलब इमरान खान क्या कर रहा है ये बोला है, मतलब नवाज शरीफ चोर है वो चोर है उसने ये ऐसा किया ऐसा कि आप नहीं बोल रहे कि हमारी गवर्नमेंट में आपकी गवर्नमेंट में ये दो ये तो इन्फ्लेशन दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट बोथ दीज इश्यूज हैव बिकम द की सेंटर की प्रॉब्लम ऑफ इन पीटीआई गवर्नमेंट। पीटीआई इज फेली सॉरी सॉरी मॉक नॉट टू इजी टू एक्सप्लेन एलाबोरेट एंड म्यूरेट पीटीआई गवर्नमेंट, बस ये तो इजी नहीं है ऐसे बस मॉक करके उसे कोई ऑब्जर्व करके, लेकिन एलाबोरेट और एनोमरेट भी नहीं कर रही है। पीटीआई इज फॉलिंग इनटू इट्स ऑन कम्युनिकेशन ट्रैप, पीटीआई ये नाकाम हो रही है, इट डिडंट हैव टू बी दिस वे, ये पीटीआई के पास है वे भी नहीं है। द पीटीआई गवर्नमेंट हैड एवरीथिंग गोइंग फॉर इट सिंस द अर्ली डेज, पीटीआई गवर्नमेंट के पास ये था पहले जो शुरुआत वाले दिन, ऑप्टिमिज्म एक्साइटमेंट होप एंड क्रूशियल सपोर्ट फ्रॉम स्टेट इंस्टीट्यूशन, पहले था कि जो लोग थे पुजेस में थे वो इंस्टीट्यूशन के स्टेट से लेकर इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करते, ऑल पीटीआई हैड टू डू वाज सभी पीटीआई वाज इसलिए लगा एक पीटीआई पीपल के बारे में बात की, वाज ट्रांजिशन टू स्ट्रेटजी प्लान वेयर द ऑपोजिशन विद द अपोजिशन वुड हैव कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ मेनी प्लैंक्स ऑफ गवर्नमेंट, ये हो रहा है कि पीटीआई गवर्नमेंट जो ऑब्सेशन कर रही है अपोजिशन से ये कॉन्स्टिट्यूशन भी बना लेगा, उस जो भी प्लैंक्स है उसमें से कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लेगा बनाइएगा सिंपल द इनएबिलिटी इनएबिलिटी हैविंग नो एबिलिटी टू मेक दिस ट्रांजिशंस आर परहैप्स रिफ्यूज टू डू दिस हैज ब्रॉट द पीटीआई गवर्नमेंट टू स्टेज टुडे वेयर इट्स कम्युनिकेशन इज डिलीवरिंग कम्युनिकेशन डिमिनिशिंग इट्स रिटर्न्स कम्युनिकेशन नाकाम हो रहा है बार बार डिमिनिश
डिमिनिश, ये डिमिनिश हो गया, मतलब मीन्स समथिंग इज दैट इज लेसन, कम हो गया है। टुडेज पाकिस्तान फील्स बिटर, टॉक्सिक एंड डिवाइडेड। पाकिस्तान ये फील कर रहा है कि ये बिटर, कड़ा सा और टॉक्सिक और डिवाइडेड ऑप्टिमिज्म इज बीइंग रिप्लेस्ड विद ड्रेड एक्साइटमेंट फॉर बॉडिंग एंड होप विद रिंकर द एयर इज एक्रेड। ये हो रहा है कि मतलब एक्साइटमेंट फॉर बॉडिंग हो रही है और होप विद होप, जो इंसान है वो जो उम्मीदें हैं वो रैंकर हो रही है। एयर इज एक्रेड, एयर जो हवा है वो अजीब हो रही है विद हेट, हर तरफ हवा है उसमें सिर्फ अजीब हो रही है। ऐसे एंगर इज द डिफॉल्ट ऑफ इमोशंस, हर जगह पे एंगर ही एंगर, एंगल एंगर वो उसके डिफॉल्ट इमोशंस। वेरी सिंपल, नो पार्टी इज वन ट्रिक पार्टी अनलेस इट मेक्स टू इट मेक्स इट सेल्फ। सो कोई भी पार्टी वन ट्रिक नहीं बना रही है जब तक वो हो गवर्नस रिक्वायर्स मोर देन वन ट्रिक, गवर्नमेंट को एक ट्रिक रिक्वायर करना चाहिए। बट इफ पीटीआई कम्युनिकेशन इज टू बी बिलीव्ड, अगर पीटीआई कम्युनिकेशन का यकीन है वन ट्रिक इज ऑल, वन ट्रिक वही है, वी नीड एंड वी ऑल हैव, हमें मुझे हमें ज़रूरत है, वही हमें हैं, वही हम हैं, वही सब कुछ हमें। दिस इज़ नॉट जस्ट बैड कम्युनिकेशन, इट्स बैड कर्मा, ये बैड कम्युनिकेशन नहीं है, ये गलत काम है। द राइटर्स रेजिडेंट एडिटर इन इस्लामाबाद। सो आई होप दिस वीडियो दिस लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर यू, दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़।